भाई इंजन चेक लाइट बिल्कुल नई गाड़ी में आ रही है, वो बड़ी बात होती है। फॉल्ट को सॉल्व करने में उन्हें लगभग 2 से 2.5 हफ्ते लगे। थार का ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल रिव्यू है भैया, कंपनी वालों कुछ तो रहम करो आदमी के ऊपर। अकेले चलने वाले व्यक्ति बड़ा देर में स्टार्ट होता है, ये इसका कुछ करना पड़ेगा। भाई ये आपकी मेन स्ट्रीम कार है ही नहीं ना, आप अपनी फैमिली के साथ कोई टूर पे जाना चाहते हो तो लगेज नहीं आएगा पूरा। सर्विस के पर्सपेक्टिव से यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको छुपा कोई नहीं पाएगा। 5 लाख ज्यादा लगा लूंगा जाके देखना। और महिंद्रा की जो पोल खोली थी उसमें क्या बताया जाए, पहली ऐसी वीडियो है जिसमें मैंने बोला है कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यार अच्छा ठीक है, इतना तो अच्छा बंदा है, इतनी अच्छी वीडियोस बनाता है, सीरियसली ढूंढ ढूंढ के लाता है ये कि जहाँ से रिव्यूज अच्छे बनाए जा सके, जहाँ से लोग हकीकत बताए। तो हेलो भाई, आई एम अनमोल श्रीवास्तव, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे दिनेश कार्तिक जी, अरे रुक जाओ थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। दिनेश कार्तिक, पिछली बार सफारी वाली जो वीडियो थी उसमें एक कमेंट आया था कि क्या दिनेश कार्तिक ऐसा दूर से देखने में लग रहा है, दिनेश कार्तिक के साथ वीडियो बना ली। हमको ऐसा मौका कभी आएगा देखा जाएगा। यार ये हमारे हर्ष भैया, इनकी सफारी का वीडियो जो था वो जाके देखना, मतलब इतना प्रैक्टिकल रिव्यू था, इतना अच्छा रिव्यू था। ठीक, जो आज वाली जो सफारी है वो भी लेने अगर जा रहे हो तो वो वाला रिव्यू जरूर देखना, क्योंकि भैया ने अच्छी खासी चला भी दी है उसको। उस समय जब रिव्यू बनाया था तब भी बहुत अच्छी खासी चल गई थी। ठीक, तो मतलब एक जो रिलायबिलिटी वाला इशू, रिलायबिलिटी वाली चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें आपको, मतलब भैया का सफारी वाला रिव्यू देख लोगे पूरा क्लियर हो जाएगा, सफारी लेनी है कि नहीं लेनी है। ठीक, और महिंद्रा पे जाना है, किस गाड़ी पे जाना है, किस गाड़ी के लिए नहीं जाना। ठीक, तो अब खैर सफारी का प्रमोशन बहुत ज़्यादा हो गया, हम आते हैं थार की वीडियो पे। तो भैया सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थार खरीदी तो हमको रिव्यू बनाने का मौका मिल गया। ठीक, तो अब जैसे बात करते हैं कितने की पड़ी सबसे पहले तो ये? भाई ये 15.5 की पड़ी है। अच्छा, और एसेसरीज वगैरह भी कुछ इसमें इन्होंने इंक्लूड करके दिया है, तो उसको इंक्लूड करके ही 15.5 की। अच्छा, एसेसरीज में जैसे इन्होंने क्या क्या दिया? एसेसरीज में उन्होंने अंदर की मैटिंग दी है। अच्छा, बाकी ये साइड के ग्राफिक्स दिए हैं। हम्म, बाकी और इन्होंने और ऑप्शन भी दिए थे बट वो छोड़ हाँ। के फिर आगे का फुट ये ले लिया था। अच्छा, ये चीज ये बग डिफ्लेक्टर लिया है हाँ। बाकी बॉडी कवर लिया है हाँ। बॉडी कवर भी एसेसरीज है? हाँ, बॉडी कवर भी एसेसरीज है। क्या बात है, मतलब यार फ्री में देना चाहिए, वो तो ऐसी चीज है कि फ्री में देना चाहिए लेकिन एसेसरीज दे रहे, वाह क्या बात भैया, कंपनी वालों कुछ तो रहम करो आदमी के ऊपर है। अच्छा, तो 15.5 की पड़ी हाँ। उसके बाद में आपने इसके ऊपर लगाया कितना? लगभग इसमें ऊपर हम लोग अभी 1.25 लाख तक में लगा चुके हैं। 1.25 लाख तक लगा चुके हैं हाँ। तो 1.25 लाख में जैसे आपने क्या क्या करवाया है इस गाड़ी में? सबसे पहले तो थोड़ा बहुत तो देख के ही पता चल रहा होगा आदमी को कि क्या क्या करवाया है, लेकिन हम थोड़ा आपको और बताते हैं क्या क्या करवाया। 1.25 लाख में इसमें सबसे पहले हेडलाइट चेंज कराई थी, ये मैंने पुरानी वाली का तो वो तो बात ही नहीं है, जिस दिन खरीदी उसके नेक्स्ट डे ही चेंज करा दी। ये वॉलमैक्स की है। अच्छा, ये लगवाई थी, ये साइड के DRL लगवाए हुए, ये भी चेंज करवाए हाँ। जो स्टॉक आते हैं यहाँ पे हेलोजन बल्ब आता है, बाकी नीचे इसके जो फॉग लैंप है वो चेंज करा के उसमें प्रोजेक्टर कर दिया है। सही है, और मेन रोड पे सबसे ज्यादा जो देखने में, मतलब रात में देखने में जो प्रॉब्लम आती है तो देखिए वो थार में चाहे जितनी अच्छी हेडलाइट लगा लीजिए किसी का भी थ्रू बहुत अच्छा नहीं है। सही बात, मेजर रोल जो इसमें प्ले करता है वो इसका नीचे का फॉग लैंप। हां सही बात, सही बात। उसके बाद इसकी ग्रिल चेंज कराई थी हां, ये रैंगलर स्टाइल में ग्रिल ये बनाई थी। बाकी इसके अलावा फिर साइड में जो ये लगा हुआ है, हिंज लगा हुआ है हां चढ़ने के लिए हां जो होता है ये मंगवाया है। पीछे की बैक लाइट चेंज कराई है। अच्छा अच्छा, बैक लाइट भी चेंज कराया है। ये पूरा नीचे भी ऊपर भी मतलब सेम ही डिजाइन में है हाँ, थोड़ा ये चेंज करा दिया।
बाकी कुछ ज्यादा कराया नहीं है, और एम्बिएंट लाइट लगवाई है बस। तो एम्बिएंट लाइट को ज्यादा मतलब गाड़ी से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की है, बहुत मतलब प्यार से रखा है। ठीक, मतलब जितनी जरूरत थी उतना ही चेंज कराया। ठीक, तो अब जैसे बात करते हैं आपका जो मतलब ऐसा ही काम है कि ऐसे रास्तों में जाना है कि जहाँ पे रास्ता है ही नहीं, रफ रोड, रफ रोड्स पे ही जाना होता है। के लिए, रफ रोड के जाने के लिए फिर सफारी में प्रॉब्लम ये आती है कि उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, तो वो नीचे से कहते तो एसयूवी है उसको, एसयूवी है कहते हैं उसको, बट अब वो एसयूवी इस हिसाब से बनी है ना कि रोड थोड़ी सी खराब है आप काम करा चलेगी, पर अब अगर आप ये कह दो कि रोड ही नहीं है, रोड ही नहीं है, हम साइड साइड चलेंगे, तो साइड साइड चलने के लिए फिर साइड वाली कार खरीदो। हाँ, तो अगर हम बात करें साइड साइड चलने के लिए, भैया पहले टीयूवी चला रहे थे साइड साइड पे, ठीक, उसकी भैया ने ऐसी रेड मारी है कि उसकी वीडियो भी मैंने बनानी नहीं सोची, मतलब उसमें क्या दिखाएंगे, इतनी अंदर से गाड़ी मतलब जो मैकेनिकल चीजें हैं वो सब सही है, लेकिन ऊपर से उसकी कंडीशन इतनी खराब करके रखी है, वो खत्म हो गई है, तो इसलिए उसकी बनाने की। तो खैर अच्छा, वो वाली जो टीयूवी थी वो कितनी चला दिया था लगभग उसको? टीयूवी चला लिया 2 लाख। 2 लाख चला दिया, ओहो, पूरी गाड़ी की चल चुकी है 1,10,000। ओहो, सफारी का रिव्यू बनाएंगे जल्दी, उसकी रिलायबिलिटी का वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी। खैर बहरहाल, बाकी अभी पुराना वाला रिव्यू देखना सफारी का, उसमें भी बहुत अच्छा बताया है। ठीक, और ये कितनी चला दिया अभी? 5,500। 5,500, कितने दिन हो गया लिए? 1 महीना हुआ। 1 महीने में 5,500 चला दिया भैया ने, मतलब पहली सर्विस भी हो गई होगी। हाँ, तो उसमें तो खैर कोई कॉस्टिंग आई नहीं होगी है। तो कॉस्टिंग का जैसे बात करें, महिंद्रा से आपका नाता है, तो लगभग कितना उन्होंने बताया कि क्या कॉस्टिंग आ सकती है इसकी? देखिए, इसमें कॉस्टिंग वही लगभग 10,000 के आसपास उन्होंने बताया कि 10,000 के अंदर सारी मतलब सर्विस वगैरह सारी चीजें हो जाएंगी। ओके, और बोलेरो न्यू भी है, वो भी चल रही है, तो एक अच्छे से आइडिया है कि बहुत ज्यादा इसमें एक्सपेंसेस नहीं आने वाले। मतलब एक तरीके से कहा जाए जैसा काम है उस हिसाब से सर्विस इसकी है ना। अच्छा, अभी तक जैसे साइड साइड पे लेके गए हैं, तो उस समय इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हाँ, मतलब जिस काम के जिस हिसाब से लिया था आपने, मतलब हमको ऐसी जगह जाना है जहाँ रास्ता ही नहीं है, तो मतलब वहाँ के लिए अभी तक कैसा रिस्पांस रहा इसका? रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। हाँ, चुपचाप चल के गई है, चुपचाप लेके वापस आ गई है, ना करा ना कुछ, मतलब सही रहा। ओके, और भैया ने टायर इसलिए नहीं चेंज कराया, एक रीज़न हम बहुत सही रीज़न लगा, क्योंकि जो इसका मतलब जो कंपनी की तरफ से पूरा R&D करके उन्होंने दे रखा है, ठीक, और हमारा काम भी ऐसा है कि ऐसी जगह जाना है जहाँ रास्ता नहीं है, तो उसलिए फिर अगर हम बड़े अलॉय लगवाएंगे तो फिर वहाँ पर ये समस्या आएगी कि फिर चलने में फिर सस्पेंशन पूरा दब नहीं पाता। हाँ, सस्पेंशन दबेगा नहीं, बॉडी में वो रगड़ खाएगा टायर। हाँ, सही चीज़, टायर भी खराब होगा और उसके बाद गाड़ी के अंदर के पार्ट्स भी खराब होने लगेंगे। तो अगर एक्चुअल में काम ऐसा है जो रफ रोड वाला है, तो उसमें फिर टायर वगैरह पे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी। सही बात। अच्छा, रफ रोड की बात करते, जैसे आप 15.5 लाख रुपए आपने इस पर खर्चा किया, इसका एक कॉम्पिटिटर और भी है छोटा सा, एक तो जिमनी, ठीक, और दूसरा कह सकते हैं फोर्स गुरखा है ना, वो दोनों देखा था कि नहीं? हाँ, देखा। क्या रिस्पॉन्स रहा उसका? SUV चलाई है, हमेशा SUV चलाने का मन। अरे तो SUV तो ऊंची तो वो भी है ना, मतलब यार इतना ही काफी है। हाँ, देखिए बताइए, अच्छे से खुल के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिमनी और गुरखा देखी थी, गुरखा का देखिए डिजाइन बहुत पसंद नहीं आया था। अच्छा अच्छा, क्योंकि एक रीजन ये भी है कि गुरखा आपको यहाँ पे रोड में टैक्सी पे दिख जाएगी, हमको तो वो भी नहीं दिखी। गुरखा है रोड पर, टैक्सी पे चल रही है। ओके, लोग अपना टैक्सी में भी यूज कर रहे हैं। दूसरा रीजन जिमनी थी, जिमनी के साथ प्रॉब्लम ये है वो पेट्रोल इंजन है। हाँ, और मेरी ड्राइव हद से ज्यादा रहती है, तो पेट्रोल इंजन में उतना मजा नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी चीज, मैंने पेट्रोल इंजन यूज नहीं करा है कभी, हमेशा डीजल से ही चला रहा हूं। फॉर्च्यूनर है वो डीजल इंजन है, सफारी है वो डीजल इंजन है। अब बड़े बड़े इंजन चला रहे तो छोटे इंजन में मजा भी नहीं आएगा। और दूसरा एक ये भी था ना कि जिमनी की हाइट बहुत कम थी, वो मजा नहीं आ रहा था उसमें बैठने, बच्चा सी लगती है वो इसके आगे। बैठने के बाद ना फील आनी चाहिए SUV वाली, अगर SUV वाली फील नहीं आ रही है तो फिर टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करने का। सही बात, और वो भी लगभग इतनी की ही आती है ना, उसमें बस ये था कि आप चार लोग आराम से पीछे, मतलब रियर दो दरवाजे एक्स्ट्रा दिए, इसीलिए पैसा है उसका, बाकी तो कुछ अकेले चलना है, अकेले चलने वाले व्यक्ति तना आए थे तो। हाँ, अब ये इसमें सिंगल सीट भी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी भैया के लिए, तो सिंगल चलना है, सारी सीटें हटा दो, तो यहाँ पे ये चीज थी। अच्छा, एवरेज कितना निकाल ले इससे? एवरेज तो उम्मीद से ज्यादा निकाल रही है। कितनी उम्मीद थी? उम्मीद थी हमें कि 12-13 तक देगी। ओहो,
अच्छा। क्योंकि जिस हिसाब से लोगों ने बताया था 12-13 बट ये मुझे 17 दे रही है। आपने अमीज पूछा था तो हमने कहा था 14-15 ज्यादा नहीं देगी। नहीं देगी हाँ, पर ये मुझे 17 दे रही है। 17 दे रही है। MID में दिखा देते हैं आपको, अगर विश्वास ना हो, कुछ लोगों को होता है कि विश्वास नहीं होता है। ये बड़ा देर में स्टार्ट होता है, ये इसका कुछ करना पड़ेगा। आया, ये देखो 18 किलोमीटर पर लीटर, एक किलोमीटर का हम लोग माइनस मान के चल रहे हैं, 17 कुछ ज्यादा ही दे दिया इसने। मतलब तो अच्छा, इसको कितनी स्पीड, ज्यादा स्पीड पे चलाने वाली गाड़ी तो देखो भैया है नहीं, है ना, फिर भी कितनी स्पीड तक ले गए? 120 शिवरिंग वगैरह के हिसाब से वो चीज वगैरह कुछ नहीं कर रही थी, आराम से चल रही थी, स्टीयरिंग भी स्टेबल थी, आराम से चल रही थी, प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। 100 तक में वो उसको मालूम नहीं पड़ता कि 100 तक पहुंच गई है। हां, स्कॉर्पियो लेने की इच्छा नहीं? स्कॉर्पियो ले ले तो वो भी तो है इसी काम के लिए, मतलब 7 सीटर थोड़ा सी है मेरे पास, स्कॉर्पियो की जरूरत है। एक और 7 सीटर बड़ी गाड़ियों की अगर बात करें तो उसके लिए फॉर्च्यूनर जरूरत नहीं है। कार ऐसी चाहिए थी जो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज हो, कहीं से भी निकाल लो। हाँ, मतलब कहीं से निकाल सके, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज हो, SUV हो और जो मेरा साइज का काम भी कर दे। हाँ, तो इन सारे सेगमेंट्स में केवल एक ही कार फिट बैठ रही थी, यही बैठ रही। कुर्खा तो खैर छोड़ ही दो, रही मारुति सुजुकी, भैया तुम जिम्नी निकाली को तो बंद कर दो उसको निकालना, मतलब क्या ही गाड़ी। एक तो ऐसे कॉम्पिटिटर के सामने तुमने जिम्नी निकाली है, देख रहे हो, ये ऐसे ही इतनी बड़ी लगती है, इसके सामने तुमने जिम्नी, अभी अगर बगल में जिम्नी खड़ी हो वो इतनी छोटी लगेगी इसके सामने, कुछ कहने को नहीं। अगर आउट ऑफ 10 रेट करना हो, अभी तक जैसा आपका रहा है ना एक्सपीरियंस, तो आउट ऑफ 10 अगर रेट करना हो तो कितना रेट करेंगे? देखिए, अगर आउट ऑफ 10 रेट करें तो यार अभी तो 10 ही रहेगा, अभी 10 ही है, मतलब अभी तक कोई समस्या आई नहीं ना, समस्या आ नहीं रही है, कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है, सब चीजें परफेक्ट काम कर रही हैं। हाँ, चीजें आराम से काम कर, आउट ऑफ 10 है। अच्छा, महिंद्रा की सर्विस को अगर रेटिंग देनी हो, सर्विस तो आप कराते हो पुरानी गाड़ी जो थी, सर्विस ठीक है महिंद्रा की। हाँ, तो कितनी रेटिंग देंगे आप महिंद्रा की सर्विस? देखो भाई, सीधी सी बात है, मर्सिडीज जैसी सर्विस तो महिंद्रा नहीं देगी, या तो मर्सिडीज जैसा पैसा लगाओ, या तो आप हुंडई वाली तो दे ही सकते हो ना, हुंडई वाली सर्विस तो दे सकते हो ना, दे रहे ठीक है, वैसी है ठीक है, सर्विस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कभी महसूस नहीं हुई, ये है कि थोड़ा सा स्लो है। अच्छा, धीरा काम, जो चीज जो काम वो दो दिन में, एक दिन में करके दे सकते हैं उसमें वो दो दिन खा जाएंगे। अरे, पर वो ठीक है, कम से कम कर तो रहे टाटा। हाँ, मैं हकीकत दिखाता हूँ क्या है। हाँ, टाटा की बात यहाँ पे नहीं होगी, टाटा की बात उसी टाटा वाली वीडियो में होगी। मतलब भैया आपको लग रहा कुछ ज्यादा झेले हुए उस गाड़ी में, सर्विस वाली, सर्विस के पर्सपेक्टिव से यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको छुपा कोई नहीं पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमको सर्विस अच्छी मिल रही है। अब आप जानेंगे क्या है सफारी में, मतलब जो है अच्छा, नई वाली जो सफारी आई है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। नई वाली सफारी कैसी लगी? बहुत बढ़िया है। अब अगर लेनी हो? हाँ, अगर ये है कि अगर वो सफारी ना ली होती तो वो सफारी ले ली होती। बाकी देखो, सफारी एक चीज में बहुत अच्छी है, वो है मजबूती तो अच्छी है उसकी, चलाने लगो तो टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। अच्छा, जब सफारी ले रहे थे तो XUV 700 भी उस समय तो आई नहीं थी, थोड़ी बाद में आई है। अब अगर अब अच्छा खासा मतलब हो गया है ना, तो अब अगर लेना हो, XUV 700 भी आपने चलाई है अच्छे से, मतलब उसका भी आपको पता है, अब अगर लेनी हो XUV 700 और सफारी में, अब कौन सी लोगे? सफारी। अरे दादा रे, अभी भी बचती है यार, अभी भी एक दो से लिए, वो अभी अभी उसने खरीदी है, 1.5-2 महीने हुए, अभी भी बज रही है उसकी, 2 महीने में बजने लगी। गाड़ी बना रहे हो, खिलौने बना रहे हो? अब देखो, ये जो भैया ने कहा है ना, ये आपको तब पता चलेगा कि XUV भैया क्यों मना कर रहे हैं, वो आपको उस वीडियो में पता चलेगा, ठीक? पार्ट टू है। ये इनके वीडियो पार्ट्स में आएंगे, ठीक? तो मतलब कोई हर वीडियो एक दूसरे से लिंक है, भले वो 1 साल हो गया उस वीडियो को, लेकिन आज भी वो वीडियो देखोगे तो पूरी नॉलेज दी है उसमें, तो वो जाके देखना। और महिंद्रा की जो पोल खोली थी उसमें क्या बताया जाए, अभी तक तो कोई समस्या नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी गाड़ी कुछ ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है ही नहीं, एक तरीके से कहा जाए, है ना, खास इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें नहीं है। मतलब आपके उससे बता दे रहा हूँ, महिंद्रा को थोड़ा सा इन चीज़ों को अपने सर्विस सेंटर पे इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो लोग बिना गाड़ी PDI कराए भी डिलीवर कर देते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। अच्छा, जैसे कि कोई एग्जांपल आपके पास हो? अरे खुद ही का एग्जांपल है, बिना PDI की गाड़ी थी। अरे मैंने पकड़ लिया था, ये PDI नहीं हुई है, सेम डे यहाँ से लेके निकला हूँ तो इसमें इंजन की लाइट ऑन हो गई थी, इंजन चेक लाइट। ओहो, क्या बात, ऑन हो गई थी जिस वक्त कार शोरूम के बाहर आई है, शोरूम में नहीं आई, शोरूम में भी लाइट जल रही थी पर उस वक्त ध्यान नहीं गया। हाँ, खुशी इतनी थी,
नहीं खुशी नहीं थी मुझे शादी में जाना लेट हो रहा था तो मैंने लेके गाड़ी तुरंत निकाली बाहर जैसे बाहर आया तो मैंने कॉल करा मैंने कहा इसमें इंजन की लाइट जल्दी है कहने लगे हाँ वो अगर जल्दी होगी तो कोई इशू नहीं है आप दे देना वो कोई माइनर फॉल्ट होगा सॉफ्टवेयर उस फॉल्ट को सॉल्व करने में उन्हें लगभग 2 से 2.5 हफ्ते लगे दो से ढाई हफ्ते इसका ECU खराब था ओहो और वो ECU कंपनी ने फिर दोबारा भेजा है कंपनी का इंजीनियर आया उसने आकर के चेक करा फिर ECU इसका चेंज करके तब उन्होंने दिया दोबारा यार तो मतलब अब वही चीज है भैया ने ध्यान नहीं दिया लेते समय नहीं तो रिजेक्ट भी करी जा सकती थी प्रॉपर इसका मतलब रीजन भी था ना रिजेक्ट करने का भाई इंजन चेक लाइट बिल्कुल नई गाड़ी में आ रही है वो बड़ी बात होती है ये है ना तो ये चीज थोड़ा सा मतलब ध्यान देना चाहिए ठीक और सर्विस में तो खैर दिक्कत है मतलब इतनी जरा चीज के लिए एक तरीके से कहा जाए अगर PDI करके पड़ जाता और सबसे बड़ा प्रूफ इसका PDI अगर इन्होंने करी होती तो PDI का एक स्टिकर कोई ना कोई लगा होता स्टिकर होता या है हाँ। जो बुकलेट रहती है उसमें PDI वाले में स्टैंप होती है साइन होती है वो PDI का ब्लैंक था और इंजन की लाइट ECU फर्स्ट डे से खराब था तो इसका मतलब PDI करे बिना उन्होंने दिया तो ECU में नहीं दिखाऊंगा कुछ ज्यादा बिक रही हमको लग रहा है इस चीज का एटीट्यूड आ गया महिंद्रा वालों में हाँ ये चीज है फॉर्च्यूनर भी तो बहुत बिक रही है मतलब वो तो ऐसे मतलब 50 लाख रुपए आदमी ऐसे खर्चा कर रहा फॉर्च्यूनर में कि क्या है कोई दिक्कत नहीं और 50 लाख की वो गाड़ी है नहीं इसका भी उसमें बताया है उस वाली वीडियो में देखना जाके बहुत अच्छे से मतलब पूरा धागा खोला है समझ लो वो वाली वीडियो देखने के बाद इसमें भी थोड़ा वो धागा खोल ही रहे हैं तो अच्छा अभी जो फॉर्च्यूनर है वो अभी उस समय भी उसके बारे में बात किया था इस समय भी थोड़ा वो बात कर लेते उसके बारे में उसको कितना हो कितनी चल गई लगभग 2 लाख सर्विस आप कंपनी में ही कराते हो है ना तो क्या रिस्पॉन्स रहा है सर्विस का टोयोटा का जैसे कहा जाता है टोयोटा की सर्विस अच्छी है हाईएस्ट कॉस्ट कितनी दी अब तक उसकी हाईएस्ट गई है 20,000 बहुत मतलब कम है एक तरीके से कहा जाए 2 लाख किलोमीटर चल गई हाईएस्ट उसकी 20,000 सर्विस जा रही है और टोयोटा का इंजन है खैर रिलायबल तो है ही है वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके बाद अब अगर अच्छा चलो ठीक अब इतनी फॉर्च्यूनर रख लियो है ना वो खैर फर्स्ट जनरेशन थी वो मानते हैं अब अगर लेनी हो तो फॉर्च्यूनर तो आप जाओगे कि ले जाओगे अगर जैसे इन्होंने इनोवा हाइब्रिड निकाली है कितना भी हो एक टोयोटा का इंजन की जो रिलायबिलिटी है सही बात वो कहीं नहीं मिलेगी और उसका सर्विस कॉस्ट जिस तरीके से उतना कॉस्टली नहीं है जितना कॉस्टली अगर उसके कॉम्पिटिटर का आप देखो फोर्ड के एंडेवर है एंडेवर में तो अभी वो अनंत भोग वाले जो भाई थे आर्यन भाई उनका हमने बनाया तो बता रहे हैं एंडेवर में 30-35 हज़ार रुपये से कम तो आता ही नहीं है पजेरो भी है पजेरो में तो 50,000 से नीचे उनका आज तक नहीं लगा 50,000 ही लगाना था हाँ। तो मर्सिडीज ले लेनी चाहिए या BMW ले लेनी चाहिए सर्विस 50,000 की हो जाएगी हाँ तो ये चीज़ है मतलब वही है सर्विस का भी थोड़ा सा यहाँ पे टोयोटा ने बढ़िया दिमाग से खेला है कि आदमी लेता है गाड़ी भले 50 लाख रुपए लगा लेगा लेकिन आखिरी में आके वो कंजूसी सर्विस में ही चाहता है कि सर्विस आपको कम में हो अरे यार हम भारतीय लोग हैं तो वो चीज है इतना भी बचने की कहीं चाह दिख रही होगी ना तो मुश्किल ही लड़ेंगे तो वही चीज इसीलिए फॉर्च्यूनर जो है मतलब इतनी ज्यादा बिक रही है इनोवा हाईक्रॉस अच्छी बस उसमें मुझे एक कंप्लेंट है टायर बड़े छोटे हैं इनोवा हाईक्रॉस के थोड़े बड़े कर दो मतलब वो पूरी गाड़ी अच्छी लगती बाद में टायर देखो नीचे मन खराब हो जाता उसको देख के इतने छोटे छोटे टायर लगते हैं मतलब गाड़ी के साइज के हिसाब से वो टायर बड़े बड़े छोटे लगते हैं तो वो थोड़ा सा आप बाकी तो ये गाड़ी तो कोई ना आउट ही नहीं है तो अच्छा अब अगर लेनी हो जैसे ज़्यादातर यूज़ सबका 4x2 ही होता है ना 4x4 जिन्होंने ली भी है तो उनका आज तक मुझे नहीं लगता यूज़ हुआ होगा कभी एक दो बार से ज़्यादा ठीक तो अगर अभी लेनी हो तो इसका कौन सा मॉडल लेना चाहिए मैनुअल ऑटोमेटिक या पेट्रोल पे क्योंकि पेट्रोल में भी आती है ये पेट्रोल में भी आती है पर इसमें जो मैनुअल का है उसके लिए भी मालूम करा था और ऑटोमेटिक का भी मालूम करा था अच्छा अच्छा दोनों का ट्रायल भी लेके देखा क्या फर्क तो लगा फर्क कुछ नहीं है ऑटोमेटिक जो है वो भी बहुत अच्छी है क्योंकि ऑटोमेटिक जो है उसकी गियर शिफ्टिंग बहुत बढ़िया है मतलब उसमें आपको लैग नहीं महसूस होगा अच्छा 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 बिल्कुल नहीं महसूस होगा और 4x2 का जो मैनुअल है ये भी अच्छा है तो अब ये था कि अकेले चलना है पहले ये सोचा कि ऑटोमेटिक का देखते हैं पर ये हुआ कि जब मैनुअल चला ही रहे
टाइम कम था लेने का, डिसाइड किया लेने के लिए तब जनवरी एंड में डिसाइड हुआ था कि थार लेनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आई थिंक शायद 6 फरवरी को उठा ली थी। जनवरी एंड में डिसाइड हुआ था थार लेनी है और मिली कब है ये भी देख लो, कहाँ गई डेट यहाँ लिखी थी 10 फरवरी। बहुत जल्दी ले लिया, मतलब पूरा कहाँ कहाँ तक सिस्टम बिठाया इसको लेने के लिए, कुछ तो बताइए। अरे कुछ सब भगवान की माया है, बाबा की दया है, जल्दी मिल गई। तो ये जो समझने वाले थोड़ा सा ह्यूमर वाले लोग होंगे समझ गए होंगे, खैर कोई बात नहीं। तो फुली रिकमेंडेड गाड़ी है ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है जिसको लेनी है, सिंगल व्यक्ति के लिए और एक फैमिली का। बहुत लोग जैसे बोलते हैं कि एक प्रॉब्लम है थार में, बैक डोर नहीं है, पीछे बैठने की जगह नहीं है। भाई ये आपकी मेन स्क्रीन कार है ही नहीं ना, ये एज अ सेकेंडरी व्हीकल आप इस्तेमाल करो। आप ये तब यूज करो जब आपके पास में एक ऑलरेडी 5 सीटर या 7 सीटर कार हो। सही बात है, ये आपकी मेन स्ट्रीम कार नहीं है ये, या तो आपकी फैमिली छोटी 3 लोग हो, वो भी तब जब आपका बच्चा छोटा हो। बच्चा छोटा पर फिर भी आपको एट द एंड देखो प्रॉब्लम होगी जब बच्चे को बैठाना। अब अगर मान लीजिए बच्चा पीछे बैठे और आप अपनी फैमिली के साथ कोई टूर पे जाना चाहते हो तो लगेज नहीं आएगा, पूरा लगेज नहीं आएगा क्योंकि स्पेस कम है, तो वो चीज पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए फिर मतलब ये सेकेंडरी कार ही बन सकती है, प्राइमरी नहीं बन सकती, ये चीज है। तो ये उन्हीं के लिए बेहतर है जिनको केवल या तो अकेले चलना है या केवल 2 लोगों को चलना है, तीसरा बंदे को बैठना ही नहीं है। सही बात, तब तक के लिए कार बहुत अच्छी है। मतलब 2 सीटर स्पोर्ट्स कार नहीं, 2 सीटर ऑफ रोडर कार कह सकते हैं इसको, है ना। जैसे तो यही चीज है, तो पीछे वाला पीछे वाली जो सीटें हैं वो आप हटा दो, जरूरत नहीं है उसकी, ठीक, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है उन सीटों का। तो यही था इसका रिव्यू, उम्मीद है पसंद आएगा। और ये अपने जो मतलब थार का ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल रिव्यू है, ठीक, क्योंकि मैंने इतने रिव्यू बनाए थार के, कोई हवाबाजी वाला वीडियो है, कोई मतलब वैसा वीडियो है, लेकिन ये जो है सबसे प्रैक्टिकल है, ठीक। तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। पहली ऐसी वीडियो है जिसमें मैंने बोला है कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इतनी वीडियो बनाई आज तक मैंने कोई वीडियो में नहीं बोला कि चैनल को सब्सक्राइब करना, तो यार अच्छा ठीक है, कितना तो अच्छा बंदा है, इतनी अच्छी वीडियोस बनाता है, सीरियसली ढूंढ ढूंढ के लाता है ये, कि जहाँ से रिव्यूज अच्छे बनाए जा सके, जहाँ से लोग हकीकत बताएं। मतलब इसने मुझसे लिटरली जब शुरुआत होने से पहले जब इसने मुझसे मिलने के लिए बोला, मुलाकात हुई, इसने बोला भैया वीडियो जैसे भी बने पर इसमें आपको जो प्रैक्टिकली आपने फील किया हो इतने टाइम में, जो चीज़ आप इतने टाइम से महसूस करते आ रहे हो केवल वही बताइएगा। तो प्रैक्टिकली इसने एक एक चीज रियलिटी उतारी है, और एक्चुअल में रिव्यूज जो होते हैं आधे से ज्यादा स्क्रिप्टेड होते हैं, ये रिव्यूज जो इसके रहते हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं रहते हैं। देख लो अब मतलब ये समझ लो मैं अपनी तरह, मैंने पैसा नहीं दिया, बहुत लोग कहते हैं पैसा दिया है, पैसे की जरूरत नहीं है यार, प्यार सबसे बड़ी चीज होती है, पैसा क्या है, पैसा तो कमाना है। तो वही चीज है, देखो इसीलिए मैं कहता हूँ भाई मेरा वो मतलब नहीं रहता है कि हम किसी को मिसलीड करें या कुछ करें, जो एक्चुअल है वो एक्चुअल है, और जो दिमाग में आता जाता है मैं वो पूछता जाता हूँ। मैंने पिछली बार भी जो रिव्यू बनाया था उसमें भी मैंने आपसे कहा हो कि भैया हम आपको क्वेश्चन भेज रहे हैं, इन क्वेश्चन का आप रिसर्च कर लेना है, कुछ कर लेना, मैंने तब भी नहीं कहा, ठीक। मतलब जो एक्चुअल दिमाग में आता जाता है वही मैं पूछता जाता हूँ, इसीलिए जो एक्चुअल दिमाग में यहाँ आता रहता है वही निकलता रहता है। तो इसीलिए मतलब वो चीज़ अच्छे से दिमाग में समझ में आती है, ठीक, बाकी रिव्यू में क्या हो रहा है वो उसी समय देखा जाएगा, अच्छा है खराब है वो अलग चीज़ हो गई। तो यही था इसका रिव्यू, उम्मीद है पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, चलो आप पे छोड़ते हैं, सब्सक्राइब करना हो करो, ठीक, हम तो कर ही रहे हैं काम अपना, बाकी आपके ऊपर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।